कोरोना महामारी के बाद ग्लोबल इकोनॉमी इस समय बढ़ती महंगाई और बढ़ती बॉन्ड यील्ड से परेशान है। जनवरी महीने में अमेरिका में महंगाई दर 4 दशक के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। रिटेल इन्फ्लेशन रेट 7.5% पर पहुंच गया, जो फरवरी 1982 के बाद सबसे ऊंचा स्तर है। महंगाई से उपभोक्ता परेशान है, वेतन वृद्धि प्रभावित हो रही है। महंगाई बढ़ने के कारण फेडरल रिजर्व बैंक पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का दबाव भी बढ़ रहा है। वर्कर्स की कमाई, सप्लाई चेन प्रॉब्लम, ऐतिहासिक लो इंटरेस्ट रेट और खर्च में तेजी के कारण पिछले एक साल से महंगाई में लगातार उछाल आ रहा है। दूसरी तरफ बॉन्ड यील्ड में भी तेजी देखी जा रही है। गुरुवार को 10 साल के बॉन्ड पर यील्ड बढ़कर 2% के पार हो गई। यह अगस्त 2019 के बाद का सर्वोच्च स्तर है। बॉन्ड यील्ड में उछाल और महंगाई में तेजी के कई मायने हैं। अगर आप निवेशक हैं तो इन बातों को समझना जरूरी है। अमेरिका में मंथली आधार पर महंगाई में उछाल आ रहा है। दिसंबर के मुकाबले जनवरी में महंगाई में 0.6% की तेजी आई है। यह इकोनॉमिस्ट के अनुमान के मुकाबले ज्यादा है। अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में महंगाई दर में 0.7% की तेजी दर्ज की गई थी, जबकि सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में महंगाई में 0.9% का उछाल आया था। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने इन्फ्लेशन का टारगेट 2% रखा है। ऐसे में 7.5% का इन्फ्लेशन बहुत ही ज्यादा है। महंगाई बढ़ने में दो फैक्टर काफी अहम है। पहला, डिमांड बढ़ गया है। दूसरा, सप्लाई की समस्या है। डिमांड के कारण इन्फ्लेशन से साफ है कि इकोनॉमिक रिकवरी बहुत तेजी से हो रही है। रोजगार के मोर्चे पर सुधार देखा जा रहा है। जनवरी में रोजगार डेटा उम्मीद से बेहतर रहा। वहां वर्कर्स की शॉर्टेज शुरू हो गई है, जिसके कारण घंटे के कामकाज का चार्ज बढ़ गया है। अमेरिका में महंगाई बढ़ने का भारत पर बहुत असर होता है। भारत बड़े पैमाने पर आयात करता है। अमेरिका समेत दुनिया के अन्य देशों में महंगाई बढ़ने से भारत का आयात बिल बढ़ जाएगा। इससे ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा और राजकोषीय घाटा और बढ़ेगा। रुपये में गिरावट आएगी। महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए अमेरिकी फेडरल रिजर्व टैपर प्रोग्राम के साथ साथ इंटरेस्ट रेट में समय से पहले बढ़ोतरी करेगा। दिसंबर की बैठक में फेडरल रिजर्व ने इशारा दिया था कि मार्च तक इंटरेस्ट रेट में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी की मदद से फेडरल रिजर्व लिक्विडिटी कम करता है। अगर फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो भारतीय कंपनियों के लिए विदेशों से फंड इकट्ठा करना महंगा हो जाएगा। फेडरल रिजर्व के उठाए कदम के अनुरूप रिजर्व बैंक को भी जल्द रेट बढ़ाने पर विचार करना होगा। और अगर रिजर्व बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो मनी सर्कुलेशन घटने के कारण रुपए की वैल्यू बढ़ जाएगी। करेंसी की वैल्यू बढ़ने से एक्सपोर्टर्स को परेशानी होगी। इससे भारत सरकार के रेवेन्यू में गिरावट आएगी। कुल मिलाकर अमेरिकी फेडरल रिजर्व से फैसले पर वहां की महंगाई का असर भारत समेत दुनिया की इमर्जिंग इकोनॉमी पर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लेस, बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।